अंजलि भाई प्रैंक करना है जितनी बोल रही है ना भाई आप बनवा रहे हो ये भाई। अच्छा मतलब आपकी कोई फ्रेंड नहीं है? नहीं नहीं मेरी कोई फ्रेंड Yeah bro, I have a 14 Pro Max 256 wow. GB and wow. Indian piece. Wow. I'm so rich now bro. टाइम देखो भाई ऑलमोस्ट 5:30 से भी ऊपर हो रहे हैं, 5:45 ही होने को जा रहे हैं और टाइसन सो रहा है क्योंकि घर में कोई है नहीं बेचारा, अकेला बोर हो रहा है सो रहा है। मैं अभी अपने रूम में था भाई, देख लो इतना लेट हो गया, आज मैंने इतना लेट व्लॉग स्टार्ट किया है ना, तो इसके पीछे का रीजन है भाई कल वाला व्लॉग। अगर कल वाला व्लॉग किसी ने मिस कर दिया है तो भाई फटाफट से जाके देख आओ, क्योंकि रात को गए थे भाई बाहर थोड़ा सा घूमने तो लेट तो होना ही था। तो अभी फिलहाल करंट में बाहर का मौसम एक बार चेक करा दूं भाई, पूरे में ही बादल बादल हो रखे हैं कि किसी भी टाइम बारिश आ जाए, ऐसा मौसम है फिलहाल गुड़गांव में। और आप देख लो पूरा का पूरा भाई पानी तो यहाँ भरा ही हुआ है। रात को कैसी बारिश हो रही थी कितनी तगड़ी, मैंने आप सभी लोगों को दिखाया ही था, तो वो व्लॉग जरूर से जाके देख ले। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लो, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट चालू हो रहा है बट कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से करेंगे। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ ना नहाने, क्योंकि पिछले 1 घंटे से मैं उठा हुआ हूँ और 1 घंटे से ऐसे ही टाइम वेस्ट करने लग रहा हूँ। तो भाई अब फटाफट से एक बार नहा लेते हैं ना भाई, तेजो तू भी नहाएगा सोने इसको थोड़ा सा। तो भाई नहा के मिलते हैं दोस्तों आप सभी से। भाई नहा तो लिया हूँ मैं और आज मैंने लोअर टी शर्ट ही पहन लिए, पर भाई नहाने के बाद संघर्ष इतना हैवी चल रहा है ना, क्योंकि ड्रायर नहीं मिल रहा है यार। और भाई मेरे को कम से कम यूं लगा लो बहुत टाइम हो गया ड्रायर चलाते चलाते, तो अब ऐसी आदत है अगर नहा लिया तो भाई ड्रायर चाहिए ही चाहिए। बाकी जो रात को मैंने आप सबको ना एक दोस्त से मिलवाया था बर्फी, तो वो मेरा नीचे वेट कर रहा है ना, तो मेरे को उससे भी मिलने जाना है भाई ड्रायर में अपना, मैं तो ढूंढ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को नहीं मिलेगा। तो अभी भाई मैं नीचे जाऊंगा और उससे मिलूंगा, देखूंगा पूछूंगा भाई क्या सीन है क्या, मतलब हम दोनों मिलके यार कुछ सोच रहे हैं, मतलब कुछ ना इनिशिएटिव ले रहे हैं कि कुछ अलग ही कंटेंट मतलब बनाया जाए और आप सबको दिखाया जाए। मतलब 14 के बारे में भाई कोई भी बातचीत करेंगे तो वो थोड़ा सा बाद में करेंगे, रात को थोड़ा सा लेट। अभी मैं भाई देख लेता हूँ कि क्या सीन करना है, उसके बाद मैं चल रहा हूँ यहाँ से नीचे। तो भाई लड़ाई तो देखो हैवी है ना ये ड्रायर ना मिलने की, अब देख लो मतलब कैसे बाल लग रहे हैं और इनने कैसे सेट करूंगा ना, कैसे भी होंगे ना बहुत ही बेकार हो जाएंगे। तो मेरी आदत है यार भाई, मैं तो कम से कम यू लगा लो ऑलमोस्ट हो गए होंगे मेरे को 10-1 साल ना ड्रायर यूज करते करते। मम्मी और मेरी तो इतनी खतरनाक लड़ाई भी हुई उठ रही इस ड्रायर ने लेके, मम्मी ने तो कई बार मतलब मैं पिटा भी हूँ गिर के पर कोई बात ना भाई, मैं ड्रायर लगाता हूँ यार, अब आदत ऐसी होगी ना बिना ड्रायर के मतलब काम चलता ही नहीं है। मम्मी इतना पिटी ना फिलहाल घर देख के, मतलब पूरे घर की लाइट जल रही है, मैंने भी नोटिस किया। बस इस रूम में मैं गया था इसमें मैंने छोटी वाली लाइट पहले जला दी थी, इसमें भी रसोई में भी उसके ऊपर भी इस रूम में भी भाई, यहाँ मेन भी उधर भी और मेरे वाली की तो जल ही रही है। तो भाई बाहर तो शाम हो ही चुकी है और बाहर का सीन ऐसा ही है, अब मैं बस ऑलमोस्ट 1 ही मिनट में नीचे पहुंच रहा हूँ, जतिन भी नीचे, जतिन से भी मिलते हैं। और भाई बर्फी मेरा काफ़ी देर से 1 घंटे से वेट ही कर रहा है, तो सारे घर की भाई लाइट्स फटाफट से ना जो मेन है उसको जले रहने देते हैं, बाकी सारी ऑफ कर देते हैं अपने रूम की भी और निकलते हैं भाई फ़ौरन से तुरंत। और बाकी दोस्तों आप सबको अभी लेके चल रहा हूँ मैं नीचे अपने क्लब में, तो भाई क्लब में मिलवाएंगे भाई सबसे, और मेन बर्फी से और जतिन से तो मिलना ही है, और आपको दिखाते हैं भाई अपना क्लब। तो दोस्तों सीधा मिलते हैं क्लब में। छ्यों एप्पल है ही बेकार भाई, भाई ने भी देखा भी, भाई भी बोल रहे हैं हीट हो रहा है भाई। कैसे हो कैसे है जय भाई? ठीक हो? क्या हाल है आप? बढ़िया सर। और सुनाओ यार क्या हाल है? ठीक ठाक आप सुनाओ? फिर बच्चों को सिखा रहे हो खेलना मिलना, यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह चल रही है? नहीं चल रही है अभी? बिल्कुल सिखा रहे हैं हम अभी, चल रही है कोचिंग। तो भाई मैं आप सब लोगों को बता दूं, इनका नाम है बर्फी और ये हमारे स्नूकर चैंपियन है। बिल्कुल बहुत अच्छा गेम है भाई इनका, यही का नहीं पर मैं हरा देता हूँ क्योंकि मेरा गेम तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि भाई हाई लेवल हो जाए फिर एक मैच आज खेल लेंगे। क्या दिक्कत आ रही है देखो भाई, पिंग बॉल इनकी बैटिंग चल रही है, हरा दिया इसको तो है भाई। ये लौंडा आता है बैटिंग खेलने के लिए ना, और ये भाई बहुत पैसे लेके जा चुका है, बेचारा हार गया पर ये वाला फ्रेम। इसकी टैक्टिक्स बहुत अलग है भाई स्नूकर की ना, एक अलग ही लगती है ना भाई।
और सुना दे फिर भाई। सॉरी यार भाई इतना लेट कर आया है, पर सच में मैं लेट उठा था आज। जब आपका फोन आया ना तब उठा ही उठा था मैं। क्या रखा है ऐसा इस बेड में जो उठने नहीं देते आप? पर मैं करूँगा यार, रात को ना मैं चला गया ब्लॉग बनाने के लिए। अच्छा। तो वहाँ से लेट आया क्योंकि बारिश हो रही थी ना रात को तगड़ी। सो दोस्तों भाई, मैं और बर्फी काफ़ी देर की डिस्कशन और हमने काफ़ी सारा काम भी निपटा है, और उसके बाद भाई हम अभी ना पैदल सैर कर रहे हैं भाई। और हम पैदल आए हैं भाई कुछ खाने पीने के लिए, तो यहाँ पे ही काफ़ी सारी स्टॉल्स लगी हुई घर के पास ही, तो भाई हम दोनों पैदल ही आ गए क्योंकि बातचीत कर ही रहे थे। फिर बातचीत हम पैदल पैदल चलते चलते अपनी बातचीत कर रहे हैं सारी। भाई भी कुछ सोच रहे करने की, जल्दी आप सबके सामने आएंगी चीज़ें। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं सीधा पैदल पैदल ट्रैफिक में जूझते हुए। आज तुम्हारा भाई पैदल चल रहा है बहुत दिनों बाद, कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है, मौसम की वजह से ही हम निकले हैं। मौसम काफ़ी बढ़िया है ना यार, उसी का ही रीज़न है। और देखते हैं शेक्स वगैरह मिल जाए, शेक्स पीते हैं। आज बनाना शेक पीने जा रहा है भाई तुम्हारा भाई, पियेंगे। बॉडी बनानी है हैवी भाई। मैं आपको सबको बताया था ना कि जिम शुरू कर रहा हूँ, तो जिम के लिए ही भाई मैंने भाई से बात करी है। भाई मेरा पार्टनर होगा जिम में, तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कौन से जिम में जाना है। भाई बॉडी बना के दिखानी बहुत तगड़ी। इतनी क्यों वो लिख रहे हैं तू? इतनी क्यों वो लिख रहे हैं? दोस्तों इतनी बकवास करती है ना कभी कभार, तो मेरा ऐसा मन करता है कि इसका सिर ही फोड़ दूं। जल लिख दे आते हैं, तो तेरा काम ही क्या है भाई ये सेवा करने का? तेरा यही काम ही है भाई। अंजलि अंजलि हमारी सर्वेंट है, इसको हमने सिर्फ काम करने के लिए रख रखा है। सुन आउट, गेट बंद करके जाना, गेट बंद करके जाइए जलीगढ़। हाँ बिहारन, अरे मेरी टी शर्ट, अरे मेरी टी शर्ट पहन ले मैं बिहारन लिखड़। तो भाई हम खाते हैं खाना भाई, उसके बाद आप सबको बाहर लेके चलते हैं ना। बैठते हैं भाई, एक बार निकलते हैं। कहाँ चल रहे हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं क्योंकि मौसम अच्छा है भाई, निकलना चाहिए ज़रूर बाहर ना, थोड़ा सा कवर अप करनी चाहिए थोड़ी सी चीज़ें। एक बार गाड़ी में पीछे मटके रखे हुए हैं, मम्मी आ रही है मटके उतार के देने। हेलो करनो के इनको ये बर्थ में चाहिए, ये तो करवा चौथ के बर्थ के लिए आई। अच्छा करवा चौथ, भाई करवा चौथ भी तो आ रहा है दोस्तों। तो भाई बताओ कमेंट करके कौन कौन सी लड़कियां, हम लड़कों के लिए कमेंट रख रही, वो सॉरी कमेंट रख रही, देख रहा मम्मी के सामने थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ ना। करवा चौथ आ रहा है दोस्तों, आप सब बता दो भाई क्या सीन बनाना है ना करवा चौथ पे। मैं ना कर रही हूँ, उठा लाओ। हाँ मेरे को लगा दिया काम में, सामने एक और गाड़ी आ रही है, अंजलि उठा लियो एक बार फटाफट। गाड़ी होगी पार्क, जल्दी पकड़। ये मैं जैसे मैंने अंजलि को बताता ही हूँ, बेचारी हमारे काम में बाल छोड़ बेचारी यार सैड है, कोई बात नहीं। क्यों आगे से घनी फालतू बोलने की जरूरत कर दी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। देख रहे हो भाई इसको, चल भाई वैसे ना अंजलि थोड़ी सी है ही, मतलब जल्दी थोड़ी सी चल चल चल, मतलब मेरे पे ले लेती है। चल 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 आ जा, चल 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 जल्दी, एक भी फूटे टूटे लिफ्ट लिफ्ट में यार भाई, मतलब जल्दी इतनी क्यों बोल ले रहा है तू? ओ चंदा जल्दी चल लिफ्ट में रखने लिफ्ट में रखने। कुछ और तो ना, मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे गाड़ी निकाल रहा था ना, तो सामने गाड़ी हटा दी और वहाँ से हाथ हिला दी कि भाई पीछे कर ले पीछे कर ले। क्यों कर ले भाई पीछे, खम्मा का पीछे कर ले। और मतलब ऊपर से फिर बकवास और कर रही है कि दो मिनट पीछे डांट लेता ये वो। भाई हम पे तो ना डांटी जावे पीछे, उसके साइड मतलब इतनी जगह खाली पड़ी थी वहां पे, रोक लेती तो रुका नहीं गया। बट कोई बात नहीं भाई, मैंने भी ना हटाई, मैंने भी
बोली थी भाई बैठी रहे, बैठना आया था पीछे चले जाते। जीतू भाई है यार मेरे भाई है ना, वो सही कहते हैं, थोड़ा सा एक इनका वर्ड है डिकलेस ड्राइवर, तो इनके लिए ना वो सबसे बिल्कुल परफेक्ट डायलॉग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हम अभी निकल चुके हैं भाई घर से बाहर, और थोड़ा सा हांड फिर के आएंगे, देखेंगे कि भाई कहाँ जाना है। अभी स्पेसिफाइड ऐसा कुछ नहीं कि भाई कहाँ जाना है, तो जिस तरफ गाड़ी जाएगी दोस्तों आपको बता दिया जाएगा, उस तरफ चलेंगे। बाकी निकलते के साथ ही दिमाग तो खराब कर ही दिया है, पर हम इतनी बीटी नहीं लेते भाई ऐसी छोटी मोटी बातों का ना, ये चलता ही रहता है ऐसा काम, क्योंकि ज्यादा छोटी मोटी चीजों को जब हम अपने दिल से लगाने लगते हैं ना, तो वहीं पे ही चीजें खराब होती हैं। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें हमें मतलब लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो इन चीजों को पीछे निकालना ही पड़ेगा। तो भाई कोई कुछ भी बकवास करे, हमें किसी की बकवास नहीं सुननी, हमें अपनी चीजें करनी है अच्छे से। बाकी मैंने ज्यादा खा लिया, खाना मेरे मुंह तक आ रहा है, बोला भी नहीं जा रहा, थोड़ा सा इसको सेटल होने दो फिर बातचीत करते हैं। अच्छा सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, भाई मैं अभी आया हूँ हांगकांग बाजार पे, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। तो दोस्तों आज ना थोड़ा सा मतलब ऐसा ही हो गया कि जैसे लेट भाई इतना बुरा कट है ना मेरा कि इससे ज्यादा बुरा ना मेरा कट नहीं सकता। कम से कम ना तो ना 3 से 4 मिनट का व्लॉग ना मैंने अभी यहीं पे ही खड़े हुए कर दिया है, और उसमें से ना सिर्फ और सिर्फ 10 ही सेकंड का हुआ, मतलब 14 प्रो मैक्स में भाई स्टोरेज फुल दिखा गया। मतलब भाई मैंने पूरा का पूरा डाटा ले लिया था ना अपने इस फ़ोन का, तो भाई इसमें सारा का सारा डाटा चला गया था, तो भाई स्टोरेज फुल हो गई थी। मतलब सारी बातें ना मेरे को दोबारा बोलनी पड़ रही है, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैंने किस किस चीज़ के बारे में बात करी थी तब ना, जो सारी बातें अब चली गई है यार। बट कोई बात नहीं, इस चीज़ का भाई ध्यान रखना चाहिए। मैं वो डिलीट रीसेंट डिलीट में पड़ी हुई थी ना वीडियोस, मेरे ध्यान नहीं रहा रीसेंट डिलीट में से डिलीट करना। अभी भाई मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ, इतनी देर से यहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ, तो अब भाई चल रहे हैं। मेरा जो ये वाला स्पेक्स है ना, इसमें थोड़ी सी जो पावर है ना वो कम है, अब मेरी आँखों की पावर ना बढ़ चुकी है। तो भाई चश्मा दिखाने आया हूँ भाई, एक बार देख लेते हैं क्या सीन रहेगा, उसके बाद भाई चलते हैं वापस घर। कल भी इसी काम से मेरे को निकलना था बट मैं निकल नहीं पाया क्योंकि रात को आ गया था। बाकी अभी चलते हैं भाई और दिखाते हैं स्पेक्स को, फिर मिलते हैं आप सबसे। भाई क्या कहते हैं, कितने में बना रहे हो गुलदस्ता? 200 रुपये। और इसमें कितने गुलाब हैं? 1, 2, 3 हैं भाई। आप बनवा रहे हो ये? हाँ भाई मैं बनवा रहा हूँ। भाई किसके लिए बनवा रहे हो भाई? भाई की फ्रेंड है उसके लिए। आपकी फ्रेंड है? नहीं नहीं मेरे एक भाई की फ्रेंड है उसके लिए बनवा रहे हैं। अच्छा मतलब आपकी कोई फ्रेंड नहीं है? नहीं नहीं मेरी कोई फ्रेंड मतलब बुरा मत मानना प्लीज, मतलब मैं आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ कि जो मतलब आप किसी को नहीं दे रहे, आपका कोई फ्रेंड है उसकी फ्रेंड है? तो ऐसा आप मतलब क्यों कर रहे हो, वो फ्रेंड क्यों नहीं लेने आए मतलब ये भाई सामान? व्यस्त थे। अच्छा वो व्यस्त थे, तो आपका सब ठीक चल रहा है फिर? आप मतलब इस चीजों से दूर हो थोड़ा, सप्लाई में ही ध्यान रखते हो? सप्लाई पे ही ध्यान दे रहा, सप्लाई पे ही ध्यान रखते हो। चलो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, परेशान मत होना, वैसे मैं वैसे नॉर्मली बात कर रहा था आपसे, पर वैसे अच्छा लग रहा है मेरे को आपका बुके। सोच रहा हूँ मैं भी एक आधे बनवा लूँ, पर मेरे पास भी आपकी तरह सेम ही कोई है नहीं जिसको मैं जाके दे दूँ बुके। भाई हंस रहे हैं, क्या चल रहा है? मजाक नहीं कर रहे यार भाई, मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ। हाँ मेरे को पता है यार, सब लोग जानते हैं मेरे को, पॉपुलर तो हूँ मैं यार भाई थोड़ा सा, सच में ही मजाक नहीं कर रहा। बाकी हम निकलते हैं भाई, चश्मा दिखाना था बट दुकान है जो वो बंद हो चुकी है, मिलते हैं भाई दोस्तों। तो भाई फाइनली अब जा रहे हैं घर की तरफ, और भाई ना मेरे याद आई बाद में, क्योंकि जब वहां पे बातचीत कर रहे थे ना उसमें मैं बातचीत कर चुका था, जो मैंने बताया एक क्लिप मतलब स्टोरेज फुल की वजह से एंड हो गई थी भाई, उसमें मैं बता रहा था जैसे आज मैं 4:30 बजे करीबन उठा हूँ ना, तो जैसे मेरे को काफी अंदर से ना बुरा लग रहा है, और भाई ना पूरा दिन एकदम से ही मैं ऐसे डाउन सा चला गया था शाम को, कि भाई पता नहीं अंदर से ही सोच रहा था कि भाई चीजें मतलब मैं सोच रहा हूँ बेटर करने की और भाई बेटर नहीं हो रही है। तो मैं इस चीज पे काफी ज्यादा सीरियस हूँ कि भाई टाइम से उठना है और भाई सारी चीज अच्छे से करनी है, भाई जिम वगैरह भी जाना है, तो सारी चीज सिस्टमैटिक अच्छे से करेंगे भाई, रोज रेगुलर व्लॉग्स लेके आऊंगा आप सबके लिए। तो भाई अभी मैं वहाँ पे भी एक भाई के साथ मतलब मैंने व्लॉग किया था, तो वो ऐसे फ्लावर शॉप से फ्लावर ले रहे थे तो आप सबने देखा, तो भाई उसमें भी मैं वैसे ही एकदम से रैंडम ही चला गया भाई। मैं वो फूल वाले को जानता हूँ, मतलब वैसे पहले कई बार हांगकांग बाजार में काम वाम रहता था ना, तो भाई जानता ही है। वैसे यूं मत सोचो कि भाई मैं कहीं फूल वूल लेता हूँ, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार। भाई मैंने शायद ही कभी कभार एक आधी बार गया हूँ उसके पास मैं फूल लेने, पर अभी दोबारा हम जाएंगे उसके पास फूल लेने, क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली पे हम जाते हैं भाई उसके पास फूल लेने। तो मेरे को जानता भी था, और भाई सब्सक्राइबर आप बता रहे हो जैसे उसने बताया, भाई थैंक यू सो मच अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो, और भाई दिल से अच्छा लगा आपसे मिलके बातचीत करके वहां पे। हाँ भाई चैंपियन खेलेगा? बिल्कुल खेलेगा।
तो भाई मेरा और अवनीश का मैच लग गया ना स्नूकर पे, पर आज तो भाई कर देगा तेरा भाई, टेंशन मत ले, फुल पावर। तो भाई हम खेल रहे स्नूकर, वाइड एंगल में दिखाते हैं भाई, लौंडा बहुत ही तगड़ा खेल रहा है। अभी 20 पॉइंट मार दिए थे, बड़ी मुश्किलों से मैंने 20 पॉइंट मार के ना सिचुएशन कवर अप करी है, पर भाई तगड़ा ही। सेफ्टी देखो इसकी भाई, मैं क्या बोलने मारूं, कोई बात ना बेटे, तुम्हें अभी बनाऊंगा प्लेयर, अभी सिखाऊंगा देर तक। रोनियो सुलेमन ये है भाई, इसको बढ़ाऊंगा प्लेयर, दो मिनट दो भी इस पर बात करेंगे, एक बार गेम खत्म होने दो, रुक जा। लोग बाग ऐसे ही कैमरे वैमरे चेक करते रहते हैं मेरे 14 प्रो मैक्स के, देख रहे हैं दोस्तों ऐसे ही। क्या हाल है लड़का भाई, पकड़ लिया स्नूकर पे भाई, और लड़के ने अपनी इसने फाउल कर दिया, कितना प्यारा इंसान है ना, बस क्या ही पूछूं बस। पर ये भाई वो इंसान है जिसकी ना रात को बात हो रही थी ना, वो जो एक मोटा अंकल था वो बातचीत कर रहे थे ना, इनकी इन्हीं का ही रुका हुआ है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मुबारक हो बहुत ज्यादा है, शादी भी होगी तो रुका हुआ है, तभी शादी होगी। चलो ठीक है, बाकी मैं डालूंगा इसको आपको सिगरेट पीते हुए, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो, और अब तो रोका हो ही गया, खैर अब तो क्या ही दिक्कत ही है। चलो जी, थैंक यू सो मच अमूल्य। क्या कह रहा था भाई? हाँ हेलो, इधर आके बातचीत कर, व्लॉग नहीं बनेगा। अबे यार भाई, मतलब इतना बुरा ओवर कॉन्फिडेंस था ना तेरा। रवि को फोन कर लो, मैं तो जा रहा हूँ, ये एक फ्रेम खेल लेते हैं। क्या 500 रुपये बैटिंग? नॉर्मली खेलते हैं। अवनीश भाई यही फ्रेम लगी है रे, अवनीश यार भाई ये फ्रेम का मूल्य, भाई ने मेरे को पेल दिया, हरा दिया, मतलब इनका बहुत ही हैवी गेम प्ले है ना जैसा आप अभी देख रहे हो, पर कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं, देखो बहुत ही अमेजिंग गेम है इनका। रवनीश का चेक कर लो शॉट, ये लड़के अब मारेगा पिंक है, शाबाश भाई, इसको पूरा सिखा रखा है ना हमने खेलना, ये फुल कोचिंग चलती है इसकी, किसी को भी पेल देता है यार कोई भी आता है। दिस इज बिजनेस, ऐसे बिजनेस को हम ग्रो करते हैं, बिजनेस इंटरनेशनल। इनसे मिली हमारे भाई है दृश, ये भाई हम पाउडर ऑर्डर लगा के खेलते हैं, अभी हम मुल्ले भाई ने मेरे को हराया, बट पाउडर लगा के कोई बात नहीं, पेल दिया है तुम्हारे भाई ने, या मुल्ले पर मुल्ले कोई हो ना इनको भी, पर कोई बात नहीं। कोई बात ना यार, होता रहता है यार, बच्चे मतलब सीखेंगे कैसे, ऐसे हारेंगे तभी तो सीखेंगे। चलो थैंक यू सो मच भाई, अच्छा लगा मिलके, सोने का टाइम हो गया है। जितना कम बोलेगी ना उतना देर में ठीक रहोगे, ठीक है, दो चार थप्पड़ ऐसा लगेगा ना तेरा सारा सिस्टम सेट हो जाओगे, ठीक है, तुम्हें पता चल जाओगी। क्या हो? गुस्सा आ रहा है मेरे को, ऐसे कैसे बात करी तूने मेरे से, फिर सो रहे हो तू पापा, तुम इससे बात करा कर, हेलो बात सुन ले, ठीक है, इतने काम करना है ना, काम कर, बकवास मत कर दोस्तों, ऐसे ही सुनाता रहता हूँ इसको मैं, वैसे टाइम कुछ भी हो रहा हो भाई, रात के 12:20 हो गए, ढाई सौ इतना सुनसान क्यों पड़े भाई, डांस कर। तो भाई अब भाई मैं जाके व्लॉग एडिट करूँगा, बैठूँगा व्लॉग एडिट करने के बाद भाई कुछ देखेंगे, व्लॉग एडिट करते के साथ ही सो जाऊँगा, ठीक है भाई। बताओ ना कमेंट करके कैसा लग रहा है भाई मैकबुक का कवर, इतना तगड़ा भाई, मेरे को तो बहुत मस्त मज़े आ रहे हैं ना इसको यूज़ करने में, सेक्सी। अंजलि बाहर से बुलाने लग रही, क्या होगा, हत्ती होगी, भाई हद बेशरम है, हद बेशरम, मतलब जैसे ना कि ये जो कॉलिंग के साथ मेरी गर्ल प्रैंक करेगी बेटा,
चलो दोस्तों अब अंजलि पे ही प्रैंक निकाल देते हैं, ठीक है अंजलि रेडी रहियो, बस बता रहा हूँ रेडी रहियो। पूरा प्लान पूरा का पूरा प्रैंक भाई तुम्हारा भाई ऐसे बनाएगा ना, अंजलि पे ही प्रैंक करना है जितनी बोल रही है ना भाई, इस पे प्रैंक करूँगा जरूर भाई, मेरे अब समझ में आ गई कि क्या करना चाहिए। तो भाई प्रैंक आएगा भाई जल्दी अपने चैनल पे ही, तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, हैवी प्रैंक करने वाले। चलो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई अंजलि पे अगर प्रैंक देखना है तो, जल्दी ही प्रैंक के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, मतलब अगली नहीं होगी बट हाँ मैं सोचूंगा भाई एक दो दिनों में इसका ना बैठा देते हैं प्रोग्राम।